दोस्तों, देश में मुसलमानों से नफरत की सारी इंतहा जो है वो पार कर दी गई है। जहां मुसलमान अगर सुकून से एक जगह नमाज अदा करे तो पुलिस वाला जो है उनके ऊपर लात घूसों की बरसात करता हुआ दिखाई देता है। और अब ये तस्वीर भी पुरानी हो चुकी है। और अगर मुसलमान सुकून से एक बंद कमरे के अंदर भी नमाज अदा करे तो भगवा गुंडों को बेचैनी सी मच जाती है। और ये जो बेचैनी मची है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर मची है, जो अहमदाबाद में मौजूद है, जहां 15 विदेशी छात्र जो अफगानिस्तान के हैं सुकून से तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, वहां पर भगवा गुंडों ने पहुंच करके यूनिवर्सिटी के अंदर पथराव करना शुरू कर दिया। तरावी की नमाज के दौरान जो है पत्थर बरसाने का काम किया गया है, जिसके जीते जागते वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। जहां सबसे पहले उस वीडियो पर नजर डालिए कि किस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी और फिर नारे लगाए जा रहे हैं। आपने नारे सुने जहां ये नारा लगा रहे हैं दूसरे की इबादत में खलल डालने के लिए, जय श्री राम। जैसे इन हरकतों से प्रभु श्री राम इनसे बहुत प्रसन्न होंगे और इन्हें शाबाशी देंगे कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया कि दूसरे की इबादत में खलल डाला है। क्या ये किरदार प्रभु श्री राम का था जो लोग बता सके, वो इसमें आकर के बताएं। और सिर्फ इन भगवा गुंडों ने यही नहीं किया, किस तरीके से पत्थर बरसाने का काम किया है पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Here we are being under attack. You guys share the live video. These are Indians. They have attacked us at our hostel. Seriously, they have just come to our place. Guys, share. They are attacking us at our place. Hello. Watch out, guys. Guys, help us and share. This is the challenge we are facing right now here in India. Now they are arriving at our hostel. We cannot be surviving like this. आपने देखा कि किस तरीके से पत्थर बरसाने का काम जो है वो किया गया, जिसमें 15 छात्र जो हैं वो घायल हुए, 15 अफगानिस्तान के छात्र घायल हुए हैं। और ये हमला तो भारतीयों पर हो ही रहा था और अब इनके दिलों में नफरत इस कदर भरी हुई है कि विदेशी मुसलमानों के ऊपर भी हमला करने से ये लोग गुरेज नहीं कर रहे। और जब पुलिस वाले वहां पहुंचे हैं तो किस तरीके से भागते हुए दिखाई दिए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो की खूबी आपको समझना जरूरी है, जहां साफ तौर पर ये वीडियो में वो लोग हमला करके आराम से भाग रहे हैं, पर एक भी पुलिस वाला इनको लठ बरसाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और बकायदा पुलिस वालों के सामने इनके चेहरे आए होंगे सीसीटीवी फुटेज में। इन वीडियो में इनके चेहरे हैं। और अब देखना यह है कि कौन सा गुजरात का पुलिस वाला जो है पोल से बांध करके इनके लठ बरसाने का काम करता है, या सिर्फ जो लठ है वो मुसलमानों के ऊपर ही चलते हैं। क्योंकि ये भारतीय मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं, ये इस्लाम के ऊपर हमला है, बल्कि विदेशी मुसलमानों के ऊपर हमला है।
ये इनकी हरकतों की वजह से इंटरनेशनल जलालत जो देश की होगी उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या ऐसे नफरतकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो SDPI का डेलीगेशन खुद गुजरात थाने पहुंचा। क्या कुछ उन लोगों ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डाली। जय हिंद, जय भारत। आज देश के लिए और देश की सरकार के लिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज जो देश में घटना घटी है, जो विदेश से आए छात्र थे उनके ऊपर हमला किया गया और इस तरीके से हमला किया गया कि वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि SDPI को और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को और दूसरे लोगों को जब ये जानकारी मिली तो फौरी तौर पर रात को 10 बजे के आसपास SDPI हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन ये घटना ये घटी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस है उस कैंपस के अंदर विदेश के जो छात्र थे वो अपने रूम के अंदर तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और तरावी की नमाज के दरमियान कुछ जो गुंडे थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने धर्म के नाम पे आतंक फैलाने की कोशिश की, हमला किया, हथियारों से हमला किया, उन्हें जख्मी किया, उनके रूम का सारा सामान तोड़ दिया, उनके लैपटॉप वगैरह तोड़ दिए और यहाँ तक कि उनके जो वॉलेट थे, उनके जो पैसे थे, वो सारी चीजें चोरी करके वहां से भाग गए। और जब वहां के जो स्टूडेंट एक्टिव जो थे, जो दूसरे विदेशी जो है स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वीडियो भी बनाया और बाकायदा वीडियो के अंदर वो बोल रहे कि देखिए हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है और ये सारी चीजें पुलिस के सामने हुई है। वीडियो के अंदर लिटरली आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने वीडियो में भी देखा कि वहां पर 150 से 200 लोग जमा हो चुके थे और जमा होने के बाद उन्होंने उन पर हमला किया है, जिसके अंदर 2 स्टूडेंट तो ज्यादा जख्मी हैं जिनको अभी एडमिट भी किया है। और इसके बाद ये हो रहा है कि पुलिस ने खुद, हमने वीडियो में जिस तरीके से देखा कि 150 से 200 लोगों को पुलिस ने वहां से खाली करवाया। और हमारी ये मांग थी कि भाई पुलिस FIR ले और FIR के अंदर जिन लोगों ने जुल्म किया है और जो नाई मतलब बर्बरत की है उसके खिलाफ कार्यवाही। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमारी मांग के मुताबिक और स्टूडेंट की FIR जो ली है उसके अंदर जो फरियादी बनाया गया है वो वॉचमैन को बनाया, जबकि इसमें होना ये चाहिए था कि जो स्टूडेंटों पर हमला हुआ है, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी फरियाद ली जाए। तो पुलिस ने यहाँ पे FIR तो ली है लेकिन FIR के अंदर लूट की कलम नहीं डाली है, जो लूट होती है IPC सेक्शन की, उसके अलावा इनके साथ जो चोरी की गई है, इनके लैपटॉप वगैरह तोड़े गए हैं। अभी देखना ये है कि इसके अंदर होम मिनिस्ट्री और सरकार क्या करती है, क्योंकि हमेशा से सवाल को घेरों में रहा है कि धर्म के नाम पे हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ तो एक क्रिश्चियन भाई है जो श्रीलंका से, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। यहाँ पे किसी मजहब की बात नहीं है, ये हर इंसान पे आज नहीं तो कल हमला होना है। इस देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं और देश की सरकार एक शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में उनको डूब मरना चाहिए कि जब देश के अंदर आने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो कैसे वो लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित है। तो हमारी ये मांग है, अभी आप देख रहे हैं 6:45 हुए हम पुलिस स्टेशन में आए थे FIR लेने के लिए, कोई FIR नहीं है। लेकिन कुछ जो इंचार्ज थे, जो IO थे, उनके पास ये सारी चीज की डिटेल है, वो अभी मौजूद नहीं है। तो वो 10 बजे आएंगे तो हम इंशाल्लाह 10 बजे फिर से आएंगे और FIR लेंगे। लेकिन हम आज मुल्क के अंदर जो लोग डरे हुए, जो सहमे हुए और जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनसे SDPI आपको एक बात कहना चाहती है कि आपको जरा भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्क के अंदर जहां कहीं भी जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और जो गुंडे हैं, जो धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, हम उनको एक अल्फाज में और एक बात में ही मैसेज देना चाहते हैं कि देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि मुल्क के अमन भाईचारे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो SDPI हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोहा पिलाई हुई एक शीशे की दीवार की तरह खड़ी है, जिसके सामने आपको लड़ना है। और मुल्क के अंदर अमन भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हम लोग कानूनी तरीके से जितनी भी कोशिशें करनी है वो तमाम करेंगे और मुल्क के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा और साफ तौर पर SDPI का कहना है कि ये भारतीय विदेशी जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा हमला है और ये भारत की छवि के लिए बड़ा खतरा भी है। सोचिए कि किस कदर नफरत इन लोगों ने दिलों में भर ली है मुसलमानों को लेकर के, कि उनकी इबादत में खलल डालने से भी ये लोग बाज नहीं आए। जहां तमाम चीजें सामने आ रही हैं और सवाल अब ये खड़ा होता है कि कब कौन सा पुलिस वाला इन चेहरों की पहचान करके इनके हाथ रस्सी से बांध करके गलियों में घुमाएगा, ढोल नगाड़ा लेकर के इनके घरों पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा।
हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।